हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आशीष मोड़। आज बात करने वाले हैं टाटा पंच के बारे में, जो अपने सेगमेंट की माइक्रो एसयूवी है। एक हैचबैक के रेट में आप एसयूवी जैसा फील यहां पे पा सकते हैं। तो आज इसी के बारे में हम कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर स्टार्टिंग प्राइस की बात की जाए तो 6 लाख रुपए एक्स शोरूम से इसका बेस वेरियंट स्टार्ट होता है और टॉप जाता है 9,68,000 एक्स शोरूम तक। और अभी आपके सामने खड़ा है एक कम्प्लीट वेरियंट जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में है, 8,30,000 एक्स शोरूम और 9,41,000 रुपए की ये ऑन रोड लखनऊ पड़ने वाली है। तो इस प्राइस पॉइंट में क्या कुछ मिलने वाला है इस गाड़ी के अंदर, आज उसी के बारे में हम कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कलर ऑप्शन की। तो एकम्प्लिश के अंदर आपको 5 कलर ऑप्शन देखने मिलते हैं, वाइट, ग्रे, ट्रॉपिकल मिस्ट, ऑरेंज और मीटियोर ब्रॉन्ज। उसके ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आपको 2 कलर ऑप्शन और देखने मिलेंगे, रेड एंड ब्लू, जिसमें आपको डुअल टोन कलर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वेरियंट्स की बात करें तो इसके अंदर आपको प्योर, एडवेंचर, एकम्प्लिश और क्रिएटिव, ये 4 वेरियंट्स आपको मिलते हैं। प्योर एडवेंचर के अंदर आपको रिदम और एकम्प्लिश के अंदर आपको डेजल पैक भी ऑफर किया जाता है। बाकी इन कलर ऑप्शन के अलावा इसमें आपको कैमो एडिशन भी मिलेगा, जिसमें आपको पूरी गाड़ी ग्रीन कलर की देखने को मिलती है, जो कि थोड़ी सी डिफरेंट लगती देखने में। ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों तरह के आपको ट्रांसमिशन मिलेंगे। इंजन आपको मिलता है सिर्फ एक 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन, जिसमें आपको 85 BHP की पावर और 113 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। माइलेज की बात करें तो जो कंपनी क्लेम करती है लगभग 19 से 20 तक का आप इससे निकाल सकते हो। और टाटा पंच जो है CNG के साथ लॉन्च हो चुकी है, बहुत जल्द आपको शोरूम्स वगैरह में देखने को मिलेगी, जिसमें आपको 30-30 लीटर के 2 CNG टैंक पीछे मिलेंगे, जिसकी वजह से बूट में स्पेस भी आपको काफ़ी अच्छा सा मिलने वाला है। CNG के साथ साथ यहाँ पे अब आपको सनरूफ भी मिलेगी टाटा पंच के अंदर, जैसे कि आपने हुंडई एक्शन में देखा था, तो उसका भाई ये राइवल है, तो यहाँ पे कोई कमी नहीं छोड़ने वाली टाटा। तो बहुत जल्द जो है आपको शोरूम्स में दिखने वाली है दोनों चीज़ें। की बात करें तो ऐसे कुछ आपको की मिलती है, जिसके अंदर लॉक, अनलॉक, फॉलो मी, हेडलैम्प्स बटन, बूट खोलने का बटन, और यहाँ पे आपको पीछे टाटा की ब्रांडिंग, टाटा का लोगो और जो दोनों की है आपको स्मार्ट की मिलेगी। कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं किए गए हैं। आप चलिए बात करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर से, फिर चलेंगे इसके इंटीरियर में और अंदर देखेंगे आपको क्या कुछ फीचर्स मिलेंगे। तो फ्रंट में देख लीजिए, यहाँ पे आपको टाटा की ब्रांडिंग, टाटा का लोगो देखने को मिलता है। ग्रिल की बात की जाए तो यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आपको पूरी ग्रिल मिलेगी। साइड में आपको कटआउट यहाँ पे दिया गया, जिसके अंदर हॉर्न की प्लेसमेंट है। यहाँ पे आपको क्रोम एलिमेंट जो कि दोनों ऊपर DRS को कंटिन्यू करते हैं। हेडलैम्प्स की बात करें तो यहाँ पे आपको देखेंगे पार्किंग लाइट दी गई है, टर्न इंडिकेटर। अगर आप एकम्प्लिश डेजल के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको LED DRS और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ऑफर किए जाते हैं। बाकी आप नॉर्मल एकम्प्लिश लेंगे तो यहाँ पे आपको हेलोजन हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं। नीचे फॉग लैम्प्स की प्लेसमेंट है, जो कि हेलोजन में यहाँ पे आपको टोइंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जब सामने बैठ के देखोगे तो ऐसा कुछ आपको पूरा फ्रंट फेस नजर आएगा। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 187 mm का है, मतलब खराब रास्तों में आपको किसी भी तरह की दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। मैट ब्लैक फिनिश और बॉडी कलर पूरा बम्पर आपको देखने को मिल जाता है। ये इसका बोनट है, काफ़ी फ्लैट सा रखा गया है। हल्के फुल्के आपको कट्स एंड क्रीजेस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको डुअल वाइपर विद वॉशर का सेटअप मिलता है। अगर रूफ की बात की जाए तो यहाँ पे आपको पावर एंटीना मिलेगा, आप चाहे तो इसको डुअल टोन कलर में भी ले सकते हैं। ये तो हो गई फ्रंट प्रोफाइल की बात, आप चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ और साइड से दिखाते हैं एकम्प्लिश्ड वेरिएंट को। तो साइड से भी देख लीजिए, काफ़ी आपको शानदार से लुक्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको हाइपर स्टाइल बेस मिलते हैं, मतलब ये देखने में अलॉय जैसे लगेंगे बट ये अलॉय नहीं है। यहाँ पे आपको मिलते हैं ये व्हील कवर्स, जो कि काफ़ी डिफरेंट शेप एंड साइज में यहाँ पे दिए जा रहे हैं। डायमेंशंस की बात करते हैं तो 3827 mm लेंथ है, 1742 mm इसकी विड्थ है और 1615 mm आपको हाइट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं एकम्प्लिश्ड के अंदर 15 इंच के ये व्हील्स, जहाँ पे आपको व्हील कवर्स मिलेंगे टाटा की ब्रांडिंग। 185/70 R15 का पूरा टायर सेक्शन मिल जाता है। टॉप में जाएंगे या एकम्प्लिश डेजल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 16 इंच के डायमंड कट अलॉयस देखने को मिलते हैं। इतना कुछ सस्पेंशन का ट्रेवल है, यहाँ पे देखेंगे आपको पतली सी क्लैडिंग देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं इसकी आउटसाइड मिरर्स की, जो आपको मिलते हैं बॉडी कलर। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। इसको लॉक अनलॉक करके देखते हैं तो ऑटो फोल्डेबल आपको नहीं मिल रहे हैं, बाकी गाड़ी के अंदर बैठ के आप इनको एडजस्ट कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हो। एंड गाड़ी का जो व्हील बेस है वो 2445 mm का, नीचे भी आपको पूरे में मैट ब्लैक फिनिश में क्लैडिंग दी जा रही है। यहाँ पे आपको मिलेगा रिक्वेस्ट सेंसर, पैसिव एंट्री मिलती है, बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं। जो इसका बी पिलर है आपको मिलता है मैट ब्लैक फिनिश में। रियर में ड्रम, फ्रंट विस में आपको डिस्क ब्रेक ऑफर की जाएंगी। एंड इसके जो पीछे के डोर्स हैं उनका जो डोर हैंडल है आपको मिलता है सी पिलर पे, और डोर जो है 90 डिग्री ओपन हो जाते हैं, जिससे कि आने जाने में काफ़ी आसानी रहने वाली है। आप चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ, तो रियर से भी देख लीजिए काफ़ी शानदार से लुक्स मिलेंगे। यहाँ पे हाई मोड शॉप लैंप है, यहाँ कोई डिफॉगर नहीं मिलेगा, कोई वाइपर नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे टाटा की ब्रांडिंग, रिवर्स पार्किंग, कैमरे की प्लेसमेंट, पंच की बैजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी आप देखेंगे ये काफ़ी बढ़िया टेल लैंप जो कि LED आपको मिलते हैं, जैसे कि मैं जला के दिखाता हूँ, ऐसा कुछ मिलेंगे। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट, रिवर्स साइड की प्लेसमेंट आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगी। नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स, ट्राई एरो डिज़ाइन, यहाँ पे आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स
और नीचे का पूरा सस्पेंशन सेटअप भी आप देख लीजिए, 187 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है। यहाँ से डलवाओगे आप पेट्रोल और 37 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। आप चलिए इसका बूट ओपन करते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा बटन, जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो अपने बूट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर स्पेस की बात करें तो 366 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पे मिलता है। अगर आप सीएनजी लोगे भी तो यहाँ तक सीएनजी रहेगी, मतलब 30-30 लीटर के दो सीएनजी टैंक हैं तो यहीं तक रहेगी, मतलब उसके ऊपर वाला स्पेस आपको काफ़ी बढ़िया सा मिल जाता है, जो कि आपको अदर गाड़ियों में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर दी गई है आपको पार्सल ट्रे। नीचे की बात करें तो ये इसके स्पेयर व्हील है, कितने इंच का है ये भी आपको 15 इंच का ही मिल रहा है। बाकी ये है पंचर रिपेयर किट, जो कि टाटा की हर कार में दी जाती है, जिससे कि रास्ते में इमरजेंसी में आप फंस जाओ तो हवा वगैरह भर सकते हो। ये पार्सल ट्रे, इनको दबा के आप इन सीट्स को फोल्ड कर सकते हो। फैब्रिक की सीट्स मिलेंगी और दो दो हेडरेस्ट हैं जिनको आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, फिक्स्ड हैं ये। फ्रंट डैशबोर्ड का व्यू देख लीजिए, इसको अभी हम आके कवर करने वाले हैं। आपके लिए बूट को कर देते हैं बंद और चलते हैं रियर सीट्स की तरफ। रियर सीटिंग कम्फर्ट, लेग रूम, हेड रूम पूरा बैठ के अच्छे से देखेंगे। तो ये इसके डोर हैंडल्स हैं। अगर डोर पैड की बात करें तो यहाँ पे आपको डुअल टोन कलर में देखने को मिलता है। ये देखेंगे डोर ओपनर, पाउंड के कंट्रोल्स, व्हाइट कलर की फिनिश, नीचे स्पीकर की प्लेसमेंट, यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर देखने को मिल जाएगा। रियर कैबिन स्पेस इतना कुछ आपको मिलेगा, आगे की सीट मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखी है। लेग रूम आप देख लो, हेडरूम भी आपको अच्छा सा मिलता है। बस एक चीज़ की कमी है, इसका जो रेक्लाइन एंगल है उसको थोड़ा सा बेटर किया जा सकता था। और ये हेडरेस्ट देख रहे हैं ना, ये भी आपको फिक्स्ड मिलेंगे, फैब्रिक की सीट्स हैं। और टाटा पंच में सनरूफ भी आ चुकी है, बहुत जल्द आपको शोरूम्स में दिखने वाली है नई वाली टाटा पंच। आप चलिए अंदर बैठ के देखते हैं कितना क्या स्पेस आपको मिलने वाला है। तो आगे की सीट मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ली है, इतना कुछ मिलेगा आपको लेग रूम। मेरी हाइट 5'8" है, थाई सपोर्ट भी आपको काफ़ी बढ़िया सा मिलता है, मतलब कंफर्टेबल सीट्स हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। ये सेंटर में आपको कुछ स्पेस यहाँ पे दिया जा रहा है, कोई एसी इवेंट्स नहीं मिलते हैं। और ये अंदर का पूरा इंटीरियर, ऊपर ग्रैब हैंडल, कोट हुक, दो हेडरेस्ट, रियर सीट बेल्ट्स रियर पैसेंजर्स के लिए। फ्रंट डैशबोर्ड की बात करें तो ऐसा कुछ आपको मिलता है डुअल टोन कलर में। सामने आपको 7 इंच का टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया जा रहा है। स्टीयरिंग पे आपको सारे कंट्रोल्स और अभी आप देख रहे हैं इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को, इसमें आपको मैनुअल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप चलते हैं फ्रंट ड्राइवर सीट पर और वहाँ पर बैठ के एक एक फीचर को कवर करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलता है रिक्वेस्ट सेंसर, पैसिव एंट्री आपको देखने को मिल जाएगी, बॉडी कलर डोर हैंडल्स है। बात किया डोर पैड की तो ऐसा कुछ आपको पूरा डुअल टोन कलर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे डोर ओपनर, पाउंडो के कंट्रोल्स, ओआरबीएम के कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको व्हाइट कलर की फिनिश, नीचे स्पीकर की प्लेसमेंट और यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर और अम्ब्रेला होल्डर भी दिया जाता है टाटा पंच के अंदर। बाकी फ्रंट कैबिन की बात करें तो इतना कुछ आपको स्पेस मिलेगा, फैब्रिक के सीट्स हैं। आपको जो हेडरेस्ट मिलते हैं आगे वाले वो आप इनको एडजस्ट कर पाओगे, पीछे वाले आपको फिक्स यहाँ पे दिए गए हैं। ये इसकी फैब्रिक के सीट्स, अगर सीट का डिज़ाइन दिखाऊं तो ऐसा कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ से हाइट और यहाँ से रेक्लाइन कर सकते हैं अपनी सीट्स को। नीचे आपको फील्ड कैप ओपनर, ऑटोमेटिक पेडल्स, ऑटोमेटिक वेरिएंट है, यहाँ से आप अपना बोनट खोल सकते हो। कुछ स्पेस आपको यहाँ पे मिलेगी और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स और यहाँ पे आपको इको सिटी ड्राइविंग मोड्स और यहाँ पे आपको इंजन स्टार शो बटन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको एसी के इवेंट्स दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको सिल्वर कलर की फिनिश देखने को मिल जाएगी। आप चलिए अंदर बैठते हैं, अंदर से बैठ के सारे फीचर्स कवर करते हैं। तो फ्रंट ड्राइवर सीट पर बैठने के बाद ऐसा कुछ पूरा नजारा यहाँ पे दिखने वाला है। आप चलिए गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका क्लस्टर। तो ऐसे कुछ आपको स्मार्ट की मिलती है, जिसको हम रखेंगे साइड में। यहाँ पे आपको स्पेस दिया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे की रख सकते हो और साइड में आपको मिलेगा इंजन स्टार्ट शो बटन। जैसे आप इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको मिलता है एनालॉग क्लस्टर। जैसे आप टॉप में जाएंगे ना तो वहां पे आपको सेमी डिजिटल क्लस्टर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बड़ी सी टीएफटी मिलती है उसमें और इधर आपको मिलेगा स्पीडोमीटर। लेकिन यहाँ पे एकम्प्लिसमेंट के अंदर ऐसे कुछ आपको एनालॉग मिल रहा है, यहाँ पे आरपीमीटर, इधर आपको स्पीडोमीटर, बीच में आपको एमआईडी, जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। एंड इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ट्रिप पे, ट्रिप बी, माइलेज, रेंज वगैरह सब कुछ आप यहीं से देख पाएंगे। बाकी इधर वाला जो बटन है, इससे जो है आप मतलब ट्रिप वगैरह को सेट कर सकते हो। ये तो कोई क्लस्टर की बात। स्टीयरिंग की बात करें, जो आपको मिलेगा डी कट शेप में, काफ़ी बढ़िया से आपको ग्रिप मिलती है, टाटा की ब्रांडिंग है। यहाँ पे आपको मल्टीमीडिया और कॉल के कंट्रोल्स, इधर आपको क्रूज कंट्रोल भी दिया जा रहा है एकम्प्लिस्ट वेरियंट के अंदर। यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स, इधर आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स, नीचे आपको मिलता है एडजस्टमेंट के लिए लीवर, जिसके थ्रू आप अपनी स्टीयरिंग को टिल्ट ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। टेलीस्कोपी का कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं गाड़ी के सेंटर कंसोल की। तो यहाँ पे आपको दिया जा रहा है 7 इंच का टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम, जिसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ सब कुछ दिया जाएगा। रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो कहाँ गया, ये रहा। ऐसा कुछ आपको पूरा रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलेगा, क्वालिटी काफ़ी अच्छी सी है। और इसमें आपको IRA की
कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, मतलब बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। साउंड आउटपुट भी काफी अच्छा सा मिलेगा। नीचे आपको हेजलाइट का स्विच, यहाँ पे आपको एसी के वेंट्स, ये इसका मैनुअल एसी का कंट्रोल्स, यहाँ पे 12 वी का चार्जिंग आउटलेट, ये देखेंगे यूएसबी पोर्ट, और यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्पेस मिलता है, आप मोबाइल वगैरह और भी कुछ यहाँ पे रख सकते हो। और ये इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, आप इसको मैनुअल में भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैनुअल हैंड ब्रेक, ये दो कप होल्डर, और यहाँ पे देखिए कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं है, ये होल्स आपको मिलेगा, बाद में चाहे तो आप इसमें लगवा सकते हैं। और ये की रखने के लिए स्पेस यहाँ पे दिया गया है। अब बात करिए ग्लव बॉक्स की, तो यहाँ पे भी आपको काफी अच्छा सा स्पेस देखने को मिल जाता है। ऊपर भी यहाँ पे सेपरेट स्पेस दिया जा रहा है, बाकी ये कोल्ड नहीं है, आपको नॉर्मल सा मिलेगा। लाइट्स वगैरह भी यहाँ पे दी जा रही है, और ये जो व्हाइट कलर की फिनिश देख रहे हैं, जब आप इसको पास से देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ट्राई एरो पैटर्न भी देखने को मिल जाता है। आगे ट्विटर्स की प्लेसमेंट है, विजिबिलिटी देखिए वो भी काफी अच्छे से आपको मिलती है टाटा पंच के अंदर। और यहाँ पे आपको मैनुअल डे नाइट IRVM, और ये देख लीजिए यहाँ पे कोई मिरर आपको नहीं मिलेगा, टिकट होल्डर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे लाइट के कंट्रोल्स है, माइक की प्लेसमेंट है, और को ड्राइवर सेट की बात की जाए तो यहाँ पे जरूर देखने को मिल जाएगा मिरर। और टाटा पंच का नया अवतार लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें आपको सनरूफ और पीछे आपको सीएनजी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये तो गई इंटीरियर की बात, अब चलिए गाड़ी को ऑफ करेंगे, बात करेंगे इसके सेफ्टी फीचर्स और प्राइसिंग की। तो इसके अंदर आपको ABS विद EBD, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, और यहां पे आपको दिए गए दो एयरबैग्स। प्राइसिंग की बात की जाए तो 8,30,000 एक्स शोरूम प्राइस का, और 9,41,000 रुपए की आपको ये ऑन रोड लखनऊ पड़ने वाली है माइक्रो SUV कार। तो ये थी टाटा पंच, कैसे लगी आपको नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, एंड स्पेशल थैंक्स टू SRM मोटर्स कानपुर और लखनऊ, जिन्होंने मुझे इसे कवर करने का मौका दिया। तो डील एनी टाटा कार्स, विजिट दिस रूम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।